आलू और बीन्स की सब्जी बनाने के लिए हमने लिए हैं लगभग 150 ग्राम बीन्स, 2 मीडियम साइज के आलू, आलूओं को अच्छे से छील के काट के धो लिया है, और साथ में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ऑयल, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हमें चाहिए ये धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, मैंने इसमें आधा टीस्पून लिया है। बीन्स को अच्छे से मैंने धो लिया है और धो के फिर इनको काटा है, तो इनको कैसे काटना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरह से ये बीन्स होती हैं, ये बिल्कुल गोल जो बीन्स आती हैं लंबी, जिन्हें हम फ्रेंच बीन्स भी कहते हैं, इनके हम एजेस को काट लेंगे। ये जो ये सामने वाले एजेस आपको दिख रहे हैं इनको इस तरह से थोड़ा सा काट लेंगे, और इसी तरह से इनको बैक साइड से भी हम काट लेंगे। तो ये हमने बीन्स को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा चॉप कर लिया, और उसके बाद हम इनको इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बहुत टेस्टी ये सब्जी बनती है और प्रेशर कुकर में तो बहुत जल्दी बन जाती है। आप सुबह की जल्दबाजी में अगर सब्जी बनाना चाहें तो रात को इस तरह से आप धो के काट के सब्जी तैयार कीजिए। आलू को आप सुबह काटिए क्योंकि आलू काला पड़ जाता है, और फिर इस सब्जी को तुरंत प्रेशर कुकर में बनाइए, बहुत जल्दी सब्जी बनके तैयार होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा और अदरक और हरी मिर्च। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज बिना लहसुन के सब्जी बना रही हूँ। जीरे ने अपना कलर चेंज कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे घी। साथ में डाल देंगे आलू और ये सारे स्पाइसेस, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, नमक, तो ये हम सब इसमें डाल देते हैं और अच्छे से सबको मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, लगभग 1 टेबलस्पून पानी खाली इसलिए डाल रहे हैं ताकि सब्जी के मसाले जले नहीं और कुकर में स्टीम बन जाए जितना पानी हम इसमें डाल रहे हैं। गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे और कुकर का लिड बंद कर देंगे। अब हाई प्रेशर पे ही 2 विसल आने देंगे और गैस बंद कर देंगे, कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। कुकर में 2 विसल आ चुकी हैं, मैंने गैस बंद कर दी है और अब हम कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे, फिर खोल के देखेंगे। कुकर की स्टीम निकल चुकी है, हम कुकर को खोल के देख लेते हैं। बहुत अच्छी हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है। मेरे को सब्जी में थोड़ा सा पानी दिख रहा है, तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा सब्जी में पानी है तो आप इसको वापस से गैस ऑन करके इसको सुखा लीजिए, और मैं भी गैस को ऑन कर लेती हूँ और बस 1 मिनट इसको खुला रख के हमें पकाना है और हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। गैस को बंद कर देती हूँ। बहुत अच्छी हमारी सब्जी बनके तैयार है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा गरम मसाला छिड़क सकते हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल सब्जी बना रही हूँ। मैंने अदरक हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाला है तो उसका बहुत अच्छा इसमें स्वाद आएगा। चलिए डिश आउट कर लेते हैं। आलू और हरी बीन्स की सब्जी तैयार है। ये फ्रेंच बीन की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे पराठे के साथ, दाल के साथ, नान, चपाती, किसी के साथ आप सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है, और टिफिन के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इस सब्जी को एक बार बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनिकाज कुकबुक।